हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरे और एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस ये वीडियो होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मजेदार, क्योंकि गाइस सैमसंग की तरफ से आने वाला अपकमिंग फोन सैमसंग M42, इस फोन के बारे में फुल डिटेल्स और फुल स्पेक्स क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस फोन में मैं लेकर आ गया हूँ। तो फटाफट से जान लेते हैं इस फोन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। फोन में गाइस आप लोगों को 6.4 इंचेस का एक पंच होल एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, उसके साथ ही 90 हर्ट्ज हाई रिफ्लेक्स रेट भी मिल सकता है। और गाइस उसके साथ अगर बैटरी की बात करें तो इस फोन में आप लोगों को कंफर्म 6000 एमएच की एक बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगा, उसके साथ ही 25 वाट फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा टाइप सी टू यूएसबी केबल। इस फोन के अगर रैम वेरिएंट की बात करें तो ये फोन आप लोगों को 6GB और 8GB दो रैम वेरिएंट के साथ देखने को मिल सकता है, उसके साथ ही 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल सकता है। गाइस इस फोन की अगर प्रोसेसर की बात करें तो फाइनली गिग बंच पर लिस्ट हो गया है इस फोन में कौन सा प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इस फोन में आप लोगों को 5G चिपसेट कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। ये प्रोसेसर काफी इंटरेस्टिंग वाला प्रोसेसर है। M62 में आप लोगों को एक्सिनो 9825 वाला 5G चिपसेट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोनों फोन में गाइस आप लोगों को 5G चिपसेट देखने को मिलेगा और दोनों फोन के ही प्रोसेसर में आप लोगों को काफी मजा आएगा। गाइस मैं ऑलरेडी एक सैमसंग गैलेक्सी M62 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ, उस फोन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाके देखिए। गाइस इस फोन की कुछ इंटरेस्टिंग फीचर की बात करते हो, इस फोन में आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलेगा। यस, उसके ऊपर 3.5mm जैक, LED लाइट, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाईफाई, GPS बहुत सब कुछ मिलेगा इस बार। गाइस इस फोन के कैमरे पर आ जाओ तो इस फोन में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का रियर में प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, उसके बाद एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर देखने को मिलेगा, उसके साथ ही और दो की भी कैमरा देखने को मिलेगा। और कैमरा पर आप लोगों को डिजिटल जूम, रोटेट, ब्यूटी एक्सेट्रा फीचर कैमरे पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही अगर इस फोन की सेल्फी की बात करें तो गाइस सेल्फी आप लोगों को 20 से 32 इन दोनों में से कोई एक सेल्फी देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर इस फोन का कैमरा काफ़ी बेहतर होगा और सैमसंग का जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन होता है काफ़ी बेहतर होता है। फिर में गाइस इस फोन का प्राइस क्या है देखने को मिल सकता है। इस फोन में आप लोगों को 20 से 22,000 के अंडर ए फोन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर इस प्राइस में ए फोन लॉन्च कर देते हैं तो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि तीन चीज़ इस फोन का काफ़ी बेहतर मिलता है। एक इसका एमुलेट डिस्प्ले, दो इसका बड़ी सी बैटरी 6000 mAh की, और तीन इसका 5G चिपसेट कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G। ये तीन चीज़ मिलकर इस फोन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा देता है गाइस। और गाइस इस वीडियो में आप लोगों को इस फोन के बारे में मैं बहुत कुछ बताया, जो नहीं बता पाया इसलिए सॉरी। जो भी होगा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हर कुछ अपडेट कर दूंगा ए फोन लॉन्च होते ही। और गाइस वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो के लिए गाइस स्टे ट्यून करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।